सभी रोग एक हैं। आप जितने भी रोग समझते हैं या जानते हैं अनेक प्रकार के, तो प्राकृतिक चिकित्सा का तीसरा सिद्धांत कहता है कि सभी रोग एक हैं, उसका कारण भी एक है और उसका निवारण भी एक है, दो नहीं है। रोग 2, 3, 5, 10, 50 है ही नहीं, कारण भी एक ही है, उसके 10, 50 कारण नहीं हैं और उसका निवारण भी एक ही है। तो सभी रोग एक कैसे हैं? आपके शरीर के अंदर जब ये खांसी, जुखाम, बुखार, उल्टी, दस्त जब होते हैं तो अंदर क्या है, किसके रूप में होते हैं? गंदगी के रूप में। शरीर के अंदर गंदगी है, कफ है ये गंदगी है, दस्त होते हैं तो वो गंदगी है, उल्टी है तो वो गंदगी है, शरीर पसीने से जो पित्त निकल रहा है वो गंदगी है, मतलब हमारे शरीर में गंदगी रुक गई। गंदगी रुक गई किसी कारणवश, ये गंदगी रुक गई ने, शरीर तो गंदगी को छोड़ता ही नहीं, निकालता रहता है यदि हम प्रकृति के नियम के अनुसार रहे तो। लेकिन हम प्रकृति के उल्लंघन करते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं, गलत समय पे खाना खाते हैं, ठीक है जी, और खाने का तरीका सही नहीं है, जो भोजन करना चाहिए वो भोजन करते नहीं हैं, विपरीत, प्रकृति से विपरीत आहार करते हैं, जिसके कारण गंदगी शरीर में रुक जाती। जो 24 घंटे तक हीलिंग प्रोसीजर चलता रहता है बॉडी के अंदर, वो हीलिंग प्रोसीजर, वो जीवनी शक्ति, जब गंदगी जब ज़्यादा रुकने लग जाती है तो वो जीवनी शक्ति हमारी कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो उस गंदगी को बाहर नहीं निकाल पाती है। तो फिर भी शरीर क्या काम करता है, उबाड़ के रूप में, तीव्र रोग के रूप में उसको बाहर निकालता है। तो सभी रोग एक क्या है? गंदगी, उसका कारण वो रुक गई, गंदगी रुक गई वो उसका कारण होगा, उसका निवारण आप प्राकृतिक जीवन शैली अपना के प्राकृतिक चिकित्सा करके और उसको बाहर निकाल दिया। एक ही तरीका, प्राकृतिक जीवन शैली, प्राकृतिक चिकित्सा।
प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर रोग का इलाज नहीं अपितु पूरे शरीर का इलाज होता है। ये चौथा सिद्धांत है, प्राकृतिक चिकित्सा में रोग का इलाज नहीं पूरे शरीर का इलाज होता है, पूरे शरीर की कायाकल्प करी जाती है। जब हम एनीमा और पट्टी लगाते हैं, स्टीम देते हैं, स्पाइन बाथ देते हैं, हिप बाथ देते हैं, हॉट फुट बाथ देते हैं, तो जितनी भी गंदगी शरीर के अंदर रुकी हुई है उस गंदगी को बाहर निकालते, मतलब हीलिंग प्रोसीजर को बढ़ाते हैं। जो ही हीलिंग प्रोसीजर बढ़ेगा आपके शरीर की रुकी हुई गंदगी बाहर आएगी, तो पूरे शरीर का इलाज होगा। अब जैसे आप यहाँ सुबह आपने फर्स्ट में योगा किया, सॉरी इससे पहले आपने एनिमा पट्टी किया, फिर योगा किया आपने, एनिमा पट्टी करते हीलिंग प्रोसीजर बढ़ गया, अंदर से हील बॉडी होना चालू हो गई, फिर आपने योगा किया और बॉडी हील हो गई, फिर आपने फलाहार खाया, फल खाने से शरीर की जीवनी शक्ति और मजबूत होती है और क्रियाशील हो जाती है, फिर आपने सलाद खाया, सलाद खाते ही फिर हीलिंग प्रोसीजर बढ़ गया, वायु तत्व प्रधान हो गया तो रुकी हुई गंदगी को बाहर निकाल रहा है। अभी आपने सूप पिया, ये भी हीलिंग प्रोसीजर को बढ़ाएगा, शाम को उबली हुई सब्जी खाओगे, संयुक्त आटे की रोटी खाओगे, वो भी गंदगी को बाहर निकालेगा। देखिएगा सुबह से लेके शाम तक आपको जो खाना पीना जो दिया गया है, दिया जा रहा है, वो सारा सफाई का काम करेगा, पूरा एक सफाई का काम करेगा, गंदगी को बाहर निकाल रहा है। तो इस तरीके से हम उसकी सपोर्ट करते हैं कि शरीर के अंदर रोग की चिकित्सा नहीं, शरीर के अंदर पूरे शरीर की ही चिकित्सा होती है। और रोग की चिकित्सा इसलिए नहीं कि रोग तो एक ही है और जिसका नाम है गंदगी, जिसका नाम है गंदगी। अब हम खांसी हो गई जी, खांसी मुंह से हम खांस रहे हैं तो उसको खांसी कहने लग गए, लैट्रिन के रास्ते जब मल निकलता है, पतला निकलता है तो उसको हम दस्त कहने लग गए, पसीने के द्वारा एकदम पसीना गर्मी से फीवर आता है उसको हम फीवर कहने लगे, ताप कहने लग गए। ये अनेक अनेक जब उभार होते हैं तो उनको अनेक अनेक नामों से हम जानते हैं। एको व्याधि, रोग एक ही है, बहुधा वैधा वैदंती, अनेक प्रकार के चिकित्सक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, वैद्य, हकीम उसको अनेक अनेक नामों से जानते हैं।